सो हेलो गाइस, चलिए आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं गार्गी कॉलेज के बारे में। पूरा कॉलेज यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करेंगे कोर्सेज के बारे में, कौन से कोर्सेज आप इस कॉलेज से कर सकते हो, राइट। उसके बाद बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की एंड बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर आपने इस ईयर इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, राइट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज के बारे में, जो कि आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1967 में, राइट। एंड कॉलेज आपका साउथ कैंपस में एस्टैब्लिश है एंड कॉलेज आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स ऑफर करता है। कैंपस काफी बढ़िया आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप इस कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन कोर्स या फिर बीबीई आप इस कॉलेज से करना चाहते हो, तो आज से आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, आपको बीबीई की प्रिपरेशन करनी है, तो आज से आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ आपको हेलो सेंड करना है एंड कोर्स की जितनी भी डिटेल्स है सभी आपको शेयर कर दी जाएंगी, राइट। साथ में आपको डेमो वीडियोज मिल जाती है। अगर आपको डेमो वीडियोज अच्छी लगती है तो आप भी हमारे साथ एनरोल कर सकते हो एंड आज से ही अपनी प्रिपरेशन आप भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। एंड चलिए बात करते हैं कॉलेज के बारे में। सबसे पहले बात आती है फैसिलिटीज की, कि कॉलेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। देखिए यहाँ पे आपको साइड में गार्गी एक जो ऑडिटोरियम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कॉलेज का। तो यहाँ पे आपको ऑडिटोरियम देखने को मिल जाता है, बुक स्टोर यानी बुक की एक शॉप आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर लैब है, फूड कोर्ट यानी कैंटीन आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है, लैब्स है, लर्निंग रिसोर्सेज सेंटर यानी लाइब्रेरी आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है, मेडिकल रूम है, ओपन एयर थिएटर है, सेमिनार हॉल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रूम्स है एंड स्टूडेंट यूनियन रूम भी आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाता है, राइट। तो फैसिलिटीज कॉलेज की काफी सारी है एंड आपके लिए कॉलेज काफी सही हो सकता है। तो चलिए थोड़ी डिटेल में आप बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है लाइब्रेरी की, तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। करीब 70,000 प्लस बुक्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाती है। उसके अलावा सीडीज है, न्यूज़पेपर्स के सब्सक्रिप्शन है, जर्नल एंड मैगजीन्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाती है। तो स्टडी मटेरियल काफी सारा है, राइट। अगर आप ये लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टडी के लिए काफी सारा मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो लाइब्रेरी कॉलेज की सही है। एंड इसके बाद बात करें अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में भी काफी सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से स्पोर्ट्स कर सकते हो। लाइक आप बास्केटबॉल के कोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, नेटबॉल के कोर्ट है, डिस्कस थ्रो आप यहाँ पे कर सकते हो, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, रनिंग है, एरोबिक है, बैडमिंटन कोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो क्रिकेट ग्राउंड है, जूडो है, तो काफी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। काफी सारे स्पोर्ट्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो आप यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कॉलेज की सही है, लाइब्रेरी कॉलेज की बढ़िया है। एंड चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपके कोर्सेज के बारे में, कि कॉलेज आपको पर्टिकुलर कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करता है, राइट। एंड देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोर्सेज के साथ साथ कोर्सेज में आपको कितनी सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी उसके बारे में बात करने वाला हूँ एंड एक कोर्स के लिए आपको यहाँ पे कितनी फीस पे करनी होगी वो भी मैं यहाँ पे आपको इस पेज पे बताने वाला हूँ। तो इस पेज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना होगा यहाँ पे। सो सबसे पहले देखिए कोर्सेज की बात करें तो यहाँ से आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो। ऑनर्स में आप इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है एंड बीबीई भी आप यहां से कर सकते हो, राइट। उसके अलावा बीकॉम ऑनर्स यहां पे कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम आप कर सकते हो। बीएससी प्रोग्राम बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड जियोलॉजी ऑनर्स कोर्सेज आप यहां से कर सकते हो। तो आई होप कि आपका कोर्सेज यहां पे क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब चलिए बात करते हैं इन कोर्सेज की सीट्स एंड फीस के बारे में। तो देखिए अगर आप यहां से बीए प्रोग्राम करते हो तो उसके लिए आपको जो यहां पे सीट्स देखने को मिलेंगी वो होंगी करीब 230, राइट, यानी 230 के करीब आपको सीट्स यहां पे देखने को मिलेगी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हो तो करीब आपको 114 सीट्स यहां पे देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप यहां से ऑनर्स से इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री जैसे कोर्सेज करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 59 सीट्स देखने को मिलेगी। अगर आप फिलोसफी में एडमिशन लेते हो 40 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट जो भी है ये कोर्सेज आपको क्लियर हो गई होंगी, सीट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर आप बीकॉम ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे करीब 156 सीट देखने को मिलेगी। अगर आप बीकॉम में प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए आपको 230 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। तो कोर्सेज कॉमर्स के कोर्सेज आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं बीएससी के कोर्सेज की, तो यहाँ से अगर आप बीएससी लाइफ साइंस करते हो, फिजिकल साइंस है, बोटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, बीएससी मैथ करते हो तो यहाँ पे आपको लाइफ साइंस में 114 सीट देखने को मिलेगी। फिजिकल साइंस में 77 है, बोटनी में 77 है, केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी में 40-40 सीट्स हैं, फिजिक्स में 40 सीट्स हैं, जियोलॉजी में 77 है एंड बीएससी मैथमेटिक्स में 57 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो सीट्स आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी, कोर्सेज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फीस की, तो देखिए अगर आप यहाँ से बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम,
बीए ऑनर्स में आप संस्कृत, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी या फिर इंग्लिश इकोनॉमिक्स बीए प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर्स अगर आप ये कोर्स करते हो यहां से, तो उसके लिए आपको करीब यहां पे 15,000 फीस पे करनी होगी, राइट। एंड उसके अलावा अगर आप यहां बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी का कोर्स करते हो तो उसके लिए आपको करीब यहां पे 15,475 फीस पे करनी होगी। अगर आप अप्लाइड साइकोलॉजी करते हो तो उसके लिए आपको 16,475 फीस पे करनी होगी। अगर आप यहां से बीएससी ऑनर्स में बॉटनी है, जियोलॉजी, फिजिक्स, बीएससी प्रोग्राम इन फिजिकल साइंस, बीएससी प्रोग्राम इन लाइफ साइंस अगर यहां से आप करते हो तो उसके लिए आपको 15,725 फीस पे करनी होगी। एंड अगर यहां से आप बीएससी ऑनर्स में माइक्रोबायोलॉजी करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे 16,525 फीस पे करनी होगी। एंड अगर आप यहाँ से बीबीई करते हो तो उसके लिए आपको 43,100 फीस यहाँ पे करनी होगी, राइट। तो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, सीट्स मैंने आपको बता दी है, कोर्सेज मैंने आपको बता दिया है, एंड आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता तो आप नोट कर सकते हो इन चीजों को। एंड चलिए अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपकी सोसाइटीज की, कॉलेज में सोसाइटीज काफी सारी है। आप किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हो तो एडमिशन के बाद आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। सोसाइटीज आपको काफी सारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि वेस्टर्न डांस सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, उसके अलावा एक ग्लास आई करके फिल्म सोसाइटी है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, मार्केटिंग सोसाइटी भी आपको देखने को मिल जाती है, नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी है, उसके अलावा डांस की सोसाइटी जिसका नाम है नजाकत, उसके अलावा प्लेसमेंट सेल है, उसके अलावा इंडियन म्यूजिक सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है। तो सोसाइटीज कॉलेज में काफी सारी है। आप किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हो, आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो आप इन सोसाइटीज को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सोसाइटीज कॉलेज में काफी सारी है, और जो भी इनके फेस्ट होते हैं, जो भी इनके कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें सोसाइटीज अपने अपने इवेंट्स करती है, तो वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक एक्सपीरियंस आप वहां से ले सकते हो, एक एक्सपोजर आप वहां से ले सकते हो, तो ये चीजें काफी बढ़िया आपको एक्सपोजर देती है, राइट। तो सोसाइटीज आपको काफी सारी देखने को मिल जाती है, इन सोसाइटीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके बाद बात करते हैं आप यहाँ पे आपके एलुमनाई की, तो देखिए कॉलेज में काफी सारे एलुमनाई जो पास आउट है इस कॉलेज से। सबसे पहले बात आती है उमा कुरैशी, आई होप कि आपने इनको काफी सारी मूवीज में देखा होगा। उसके अलावा सनाया मल्होत्रा है, इनको भी आपने मूवीज में देखा होगा। उसके अलावा उर्वशी रोतेला है, इनको भी देखा होगा। एंड सोनल चौहान, इनको भी आपने मूवीज में देखा होगा। चारों ही ये एक्ट्रेस है, तो काफी सारे एलुमनाई है जो इस कॉलेज से पास आउट है। एंड चलिए अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपके प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स भी आपको कॉलेज में काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें यहाँ पे, तो 19.25 एलपी का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा एवरेज पैकेज 4-5 एलपी का एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड बात करें मेजर कंपनीज की, तो यहाँ पे जैसे डी शो एंड कंपनीज है, उसके अलावा डेलोइट है, विप्रो है, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी है, तो काफी सारी मेजर कंपनी जो हर साल प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज में आती है, तो प्लेसमेंट भी आपको कॉलेज के सही यहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। एंड चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपके एडमिशन प्रोसेस की, कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो यहाँ पे करने होंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके बाद देना होगा आपको सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम, राइट। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर डीयू के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीयूटी का एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसकी प्रिपरेशन हम आपकी करवाते हैं, राइट। सो आपको सीयूटी का एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको डीयू का एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, राइट। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको डीयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। डीयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, एंड इस तरह से आपका एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज में, राइट। तो कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। सो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर डीयू के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप बीबीई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ आज से ही इनरोल कर सकते हो, राइट। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर सिर्फ आपको हेलो सेंड करना है, एंड कोर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं सभी आपको शेयर कर दी जाएंगी, राइट। साथ में आपको डेमो वीडियोस भी जाती हैं, अगर आपको डेमो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप भी हमारे साथ एनरोल कर सकते हो, एंड आज से अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, सभी एंट्रेंस एग्जाम की डाउट सॉल्विंग टीम आपकी हेल्प करती है, ई बुक्स मिल जाते हैं आपको जीके वर्बल एंड एलआरडी क्वांट्स की, एंड स्टडी का पूरा प्लान आपको मिल जाता है, राइट। सो अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप सीयूटी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आज से आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि हमने इस वीडियो में अभी तक जितनी भी बातें की सभी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी काफी सारी वीडियो चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।